नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऋचा सुगन। पिनाच मिसेस इंडिया 2018 की विजय था। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत करती हूं और धन्यवाद करती हूं कि आप यहां पहुंचे हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी परमपिता परमात्मा को, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है। और पिनाच का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे यदि किसी का रहा है तो मेरे फैमिली, मेरे मित्रगण, इन सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इनके अलावा जो मेरे स्टाइलिंग पार्टनर रहे हैं INIFD, जो कि देखते हैं श्री सर्वेश अग्रवाल साहब गोकुलपेट में, साना खान जी, मेरे फैशन कोरियोग्राफर खिसर हुसैन साहब, और सबसे महत्वपूर्ण फिटनेस जो मायने रखती है किसी भी ब्यूटी पेजेंट में, तो मेरे फिटनेस पार्टनर रहे हैं दी ओरा फिटनेस स्टूडियो, जिनके जिन स्वाति विभूते जो खुद मिस इंडिया एनर्जेटिक रह चुकी हैं पिछले साल, और कुलदीप चिकाने साहब। मिसेस इंडिया बनने के पहले का अगर सफर की हम बात करें तो क्या? मिसेस इंडिया बनने के पहले का जो सफर था यही था कि बहुत सारी ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं प्रोफेशनल मॉडल नहीं हूँ, पेशे से मैं एक दंत चिकित्सक हूँ। जी हाँ, एक एंकर हूँ, तो बोलने की आदत, ज़्यादा बोलने की आदत मुझे पहले से है। पर जो एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, एक तहजीब होती है रैंप पे चलने की, जी हाँ, उसके लिए मुझे बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ी। डाइट पर बहुत कंट्रोल करना पड़ा क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, खाना पीना बहुत पसंद करती हूँ। और नागपुर के हैं हम, तो तर्री पोहा तो मेरा फेवरेट था, तो वो एक महीने तक बिल्कुल बंद था। तो उसमें मुझे बहुत मशक्कत लगी है, बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा है अपने आप पर। साथ ही विदर्भ के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? विदर्भ के यूथ को और ख़ास तौर पर महिलाओं को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो सैक्रिफाइस नाम का शब्द है उसे निकाल दीजिए। जस्ट फॉरगेट द वर्ड कॉल्ड सैक्रिफाइस, जस्ट वर्क हार्ड एंड राइज। वर्तमान हालात की अगर बात करें तो महिला अपने आप को असुरक्षित समझती है, बेशक ये बात हो रही है, और जो कि हाल ही में हम इतने सारे किस्से देखने को हमें मिल रहे हैं। ये चीज़ें जो आज हो रही हैं, कहीं ना कहीं हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम आज भी आवाज़ हमारी कम है। सिर्फ इतना होता है कि हम फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमारा गुस्सा दिखा देते हैं, उसके आगे क्या। हम सरकार पर उतना दबाव नहीं डाल पा रहे हैं कि हमारी न्याय प्रणाली उतनी स्ट्रांग हो, उतना जल्दी डिसीजन ले पाए। न्याय प्रणाली में मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सख्ती आए और थोड़ी जल्दी में ऐसे मामलों का डिसीजन लिया जाए और सख्त से सख्त सजा हो। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी जिस तरीके से मिसेज इंडिया का खिताब जीत कर पहुँचे हैं, क्या एक प्रॉफिट? मुझे बहुत खुशी हुई है, इसने जो इनाम लेके आई है वहाँ से, और इसके पहले भी इसने बचपन से ऐसे मेरे लिए इन्हें बहुत से इसने खुशियाँ लाई है, स्कूल से कॉलेज से हमेशा इसने प्राइज लिया है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने बच्चे? मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। पर इसने ये मुझे पहली खुशी नहीं दी है, ये स्कूल के ज़माने से ही टॉपर रही है स्कूल में, कॉलेज में 5 साल का इसको टॉपर का इनाम मिल चुका है। तो इसने बचपन से खुशियाँ दी है।